प्रयागराज गोरपुर थाना अंतर्गत जसरा नई बाजार में 28 सितंबर को सूरज श्रीवास्तव की पत्नी के साथ कुछ मुस्लिम लड़के इमरान पुत्र अज्ञात ग्राम कांटी, सनी पुत्र वजीर ग्राम जसरा, गोलू पुत्र असलम, मतीद पुत्र उल्लन और बाबूजी पुत्र मुन्ना कबाड़ी छेड़खानी कर रहे थे। मना करने पर सूरज और उसकी पत्नी और पुत्री को घर में घुसकर मारा पीटा और भाग गए, जिसकी सूचना गोरपुर थाने को दी गई, जिसकी NCR दर्ज कर ली गई है, जिसमें पुत्री सिमरन का नाम नहीं दर्ज है। जबकि 28 सितंबर 2019 को परिजनों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में भी पुत्री सिमरन का नाम नहीं दर्ज किया गया, उसको भी मारा पीटा गया। लेकिन आज 28 अक्टूबर को परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि उसी दिन सिमरन को भी मारा पीटा गया था, जिसकी उम्र 10 वर्ष है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई और पोस्टमार्टम होने के बाद शव को घर ले आए। शव को देखकर मौजूद भीड़ आक्रोशित हो उठी और चक्का जाम कर दिया। लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। वही मामला दो समुदाय के कारण कई थानों के पुलिस थाना गोरपुर थाना, बारा थाना व लालापुर की पुलिस टीम घटना स्थल पर इकट्ठा हो गई। ये किस तरह घटना है, ये कब की बात है? 28 सितंबर की बात है। ये लोग, उनके घर में एक लड़का रहता था, हर बार किसके घर में? मैकू के घर में। अच्छा, एक लड़का रहता था, बात बात पे गाली देता था, पैसा दिखाता था, हाथ पकड़ता था। और उस दिन मेरे पति थे, बोल दिए, और वो जी के परिवार वालों ने मिल के बहुत मारा। उसके बाद हमारी लड़की लपिया गई, तो हमको सब छोड़ के मेरे लड़की को मारे लगे। किस तारीख की घटना है? 28 सितंबर की। 28 सितंबर को। तो कौन को मारा है? इमरान, गोलू, टन्नी, सरवर। अच्छा, किस चीज से मारे हैं? लात से मारते रहे। लात से मारे हैं? बच्ची को से मारते रहे। और इनके पिता को भी मारे हैं? हाँ, इनके पिता को मारे, उनके दिमाग नहीं काम कर रहा। कहाँ है वो? यही कहीं होंगे, लेटे होंगे। अच्छा अच्छा, उनकी तबीयत ना ठीक है? हाँ, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा, आपका नाम? सीमा श्रीवास्तव। जो आपकी बच्ची मृत हुई है, इसका क्या नाम है? सिमरन श्रीवास्तव। सिमरन श्रीवास्तव। अच्छा, आपके पति क्या नाम? सूरज श्रीवास्तव। तो जिस दिन से मारे हैं इसको, उस दिन तो आप कहाँ रखी थी? हॉस्पिटल में थी? पहले दवा लेते रहे, की दर्द होते रहे, बाद फिर ले गए दशहरे के रोज से भर्ती कर दिया संगम के। पहले ले संगम जवाब दे रहे हैं, फिर ले गए कमला नेहरू जवाब हो गए, फिर ले गए चिल्ड्रेन भी। तो आपने जब इनको मारा तो आपने FIR किया था? FIR तीन बार किए थे। कोई प्रशासन नहीं आया? सुनवाई नहीं हुई। कोई प्रशासन नहीं आया? कोई नहीं आया। टीवी भी फुल फोड़ डाले हैं, घर में जाके देखो, घुस के मारे ने हीच के। उसके बाद भी कोई प्रशासन आया ही नहीं? वही थाना अध्यक्ष गोरपुर द्वारा किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया, लेकिन परिजन दाह संस्कार के लिए राजी ना हुए और उच्च अधिकारियों के आने की मांग पर अड़ गए। मौके पर पहुंचे SDM बारा ने भी लोगों को समझाया बुझाया, इसके बावजूद भी वह नहीं माने। इसके बाद SP जमुना पार पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर कहा, जल्द ही मुर्जिमों को पकड़ा जाएगा। अरे भाई, मर गई, बीमार के तो मर गई, तो हंसे से चक्का जाम, चक्का जाम हुआ कि चक्का जाम हुआ है, खाली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उनके 340 जगह से FIR हो गया है, उनको गिरा करा कर जल्द से जल्द जेल भेजा जाएगा, ठीक है? अरे भाई, गिरफ्तारी करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा आगे हो गए। वहीं पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय होगा का आश्वासन देकर परिजनों को दाह संस्कार के लिए राजी किया गया एवं उनकी बात मानकर सुबह दाह संस्कार करने के लिए परिजन राजी हुए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया टाल मटोल क्यों रहा? अब प्रशासन जांच के बाद यह अगला कदम उठाएगी या फिर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी? न्यूज़ इंडिया N9 से रोहित सिंह की रिपोर्ट।